शादी जीवनसाथी.com पे प्रोफाइल पे हम अपना आईडी बनाए थे, तो वो जो है जीवनसाथी.com पे वो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रहे थे कि हम एक्सेप्ट किए हैं, तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो हम बोले कि हाँ, हमें शादी तो करनी है। तो वो वहीं से बातचीत करना शुरू कर दी 15 अगस्त से 2020 से। तो वो बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अनाथ टाइप के हैं, तो हमें मौसी रखी थी, तो हम पीएचडी कर रहे हैं, तो वो जो है आईएएस के भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार आईएएस के इंटरव्यू निकाल लिए थे, तो जिसके कारण जो है मौसा की तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम जो है इंटरव्यू छोड़ दिए थे। एक मनोज कुमार अग्रवाल हैं, उन्होंने ये बताया कि उनकी दोस्ती एक महिला से सोशल साइट जीवनसाथी.com के माध्यम से हुई। उसके बाद उन लोगों ने शादी करने का फ़ैसला किया। ये लोग आपस में, जैसा वो उन्होंने तहरीर में लिखाया है कि आपस में मिले भी, और उसके बाद में फिर वो जब शादी तय करने की बात आई तो वो फरार हो गई। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 420 और 406 का मुकदमा लिख दिया गया है, विवेचना पक्ष की। ऐसा वो कौन सी साइट थी जिस साइट पर उन्होंने डाला था? जीवनसाथी.com। सर, इस तरह के फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों से किस तरह के, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो सोशल साइट हैं, जो शादी से रिलेटेड है, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।